हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नारायण सर, अरे वही कमलेश नारायण जिसे आप नारायण सर के नाम से भी कह सकते हो। मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ और ये सीरीज़ खासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़े इंग्लिश में कमज़ोर हैं। जब वो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा हवा सा खड़ा हो जाता है, तो मैं उसको सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने अपने चैनल पर एक सीरीज़ के फॉर्म में लाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि सीरीज़ के माध्यम से ज़्यादा वो बच्चे ज़रूर जुड़ें जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है या जो एनसीईआरटी में थोड़ा अपने आप को लैक करती हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं पिछले कई सालों के पेपर को देख करके कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। तो यस, उसी श्रृंखला में आज हम आपको शुरू करेंगे। चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यस, पहली बात इसमें आती है फूड। फर्स्ट लाइन जो लिखी गई है, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जाहिर बात है, खाना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके निहायत जरूरत की चीज है। अब बात आती है, अगर जरूरत की बात आएगी तो आप कहते हैं कि मनुष्य की तीन बेसिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, दर से रोटी। तो जाहिर बात है, कहीं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखोगे वहाँ आपको खाना चाहिए। अब ये अलग बात है, खाना आप खुद बना लें ऑटोट्रॉफ, या खाने के लिए किसी अन्य पर डिपेंडेंट रहे, दैट इज हेटरोट्रॉफ। यानी अगर हम इसी आधार पे बांटते तो या तो हम स्वपोषी होते यानी ऑटोट्रॉफ, या परपोषी होते यानी दूसरे पर डिपेंडेंट होते। लेकिन जो हम खाना खाते हैं उस खाने को भी हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक है मेजर कंपोनेंट, जिसमें आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो, और दूसरा है माइनर कंपोनेंट। जो मेजर कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा मात्रा में आप खाते हो, यानी वो ग्राम्स में होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये जैसे एक सामान्य व्यक्ति को तकरीबन 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे चाहिए, प्रोटीन तकरीबन 70 से 80 ग्राम और इसी के आसपास फैट। ये एक सामान्य रिक्वायरमेंट है, थोड़ी बदल जाती है जरूरत के मुताबिक। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत थोड़ी मात्रा में ही चाहिए, दैट इज अ माइनर कंपोनेंट। यानी खाने को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक मेजर कंपोनेंट जिसको हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और एक है माइनर कंपोनेंट जिसे हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसमें तीन एग्जाम्पल हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। और जो माइनर क्वांटिटी में चाहिए उसमें आपके पास दो एग्जाम्पल हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। लेकिन सर एक और चीज है खाने में, दैट इज वाटर। वाटर जो है एनर्जी तो नहीं देता, लेकिन इट हेल्प इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारे शरीर में जो उपापचय की प्रक्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिनसे हम शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें वो मदद करते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, ये तीनों कंपोनेंट हेल्प इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन वाटर का एक काम और भी है, इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर से भिन्न भिन्न रूपों में हमारे दिन भर में काफी पानी लॉस होता है, स्वेटिंग होती है यानी पसीना आता है, यूरिनेशन यानी पेशाब करते हैं, एक्सपायरेशन यानी सांस बाहर छोड़ते हैं, या डेफिकेशन यानी मल त्याग। ये मेजर सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज के साथ आप पानी लॉस करते हैं। तो इतना पानी तो आपको चाहिए, इसलिए पानी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हम पानी को ना तो मेजर कंपोनेंट में रख रहे हैं ना माइनर कंपोनेंट में रख रहे हैं, कह रहे हैं पानी भी खाने का हिस्सा है, बट इट हेल्प इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन।